दोस्त, वेलकम टू बैक माई न्यू वीडियो। तो ला चुके हैं पैरेट को खेतों में, तो जो कि लाए हैं इस समय कोल्ड वाला, तो इसके लिए सॉरी जो कि वीडियो डेली नहीं मिल पाती। तो वीडियो बनाते तो हैं लेकिन इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे भाई का चैनल है उस पे अपलोड करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक वीडियो और इसके पहले दिए थे वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल जो भाई इस पे है तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होती है पैरट की और अलेक्जेंड्रा की, जो कि बाइक के साथ फ्लाई करता है अच्छा खासा। शॉर्ट वीडियो में देखे भी होंगे तो वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिलेगी डेली। तो इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो अपलोड नहीं करते। तो चलते हैं, इस समय लाए हैं जो कि ओल्ड वाला पैरट है, सबसे पहले वाला जो पहले फ्री फ्लाई ट्रेन किए थे। तो रिंग वगैरह तो आ ही गया है, तो आपको दिखाए नहीं थे, तो चल रहे हैं आपको दिखाते हैं रिंग आने के बाद कैसा लगता है। और आज का मौसम देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, सुबह का टाइम है जो कि बरसात का मौसम चालू हो गया है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो जो कि पैरट हमारा बाहर निकल चुका है, देख ही सकते हैं ओल्ड वाला है सबसे पुराना। तो यही है अपना पुराना शेर, जो कि इसकी फ्लाई देखकर आप बता सकते हैं तकरीबन 2.5 साल ओल्ड है इसका। और रिंग भी आ रहा है, देख ही सकते हैं। और दिक्कत थोड़ी सी ये है कि अब ये अपने मन का उड़ता है, और मन किया आएगा नहीं तो घर की तरफ, नहीं तो इस पेड़ के नज़दीकी इधर ही कहीं बैठ जाएगा, अब जैसी इसकी इच्छा। जो कि अभी एक वाइट कबूतर हमारे घर की तरफ उड़ रहा है जंगलियों के साथ, तो पता नहीं किसका है। तो फिलहाल इस एरिया में कोई कबूतर जिलाया नहीं है, पता नहीं कहां से आया, तो कोशिश करेंगे पकड़ने की। लाइक तो बनता है और रिंग आने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है, देख ही सकते हैं। इसके पहले विंग्स इसका सब झड़ गया था, उड़ी नहीं पा रहा था। तो फिलहाल देख ही सकते हैं, एक बार जब इसकी फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप साल भर बाद भी उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपके पास ज़रूर आएगा पूरे ट्रस्ट के साथ। फुल हैंड टेम हो चुका है, फ्री फ्लाई भी टेम है, तो आप कहीं भी उड़ाएंगे तो आपके पास ही आएगा, नहीं तो घर के आसपास उड़ाएंगे तो अगर कहीं चला भी गया तो उड़ के सीधा आपके घर पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी पहचान हो चुकी है। जो कि जो बताए थे आपको, अब ओल्ड हो चुका है ये, कुछ अपने मर्जी से भी फ्लाई करेगा और हमारे मर्जी से भी, जो कि चला गया है उस घर के पीछे, तो कोई मसला नहीं, वो घर पे आ जाएगा, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पे आराम से वो आ सकता है और आ भी जाएगा अभी शाम तक या फिर दोपहर तक या फिर कुछ घंटे बाद। तो घर का उसे पता है कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं, तो केज के पास आ जाएगा अगर कोई रहे या ना रहे, वो केज पे बैठा रहेगा इधर ही कहीं, घर से कहीं जाएगा नहीं। तो जैसा था आपके सामने था
ओल्ड होने के कारण भी कोई दिक्कत नहीं है, बस से